भेड़िया पैक मामले में बलात्कार से पांच पुरुषों के बाद स्पेन में विरोध प्रदर्शन। पांच साल पहले यौन दुर्व्यवहार के दोषी होने के बाद स्पेन में विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन दो साल पहले पाम्पलोना में रनिंग ऑफ द बुल्स फेस्टिवल के दौरान एक किशोर लड़की के गिरोह के बलात्कार को मंजूरी दे दी गई थी। गुरुवार दोपहर पाम्पलोना में अदालत के फैसले के बाद मैड्रिड, बार्सिलोना, वालेंसिया, पाम्पलोना और एलिकंट सहित शहरों में बड़ी भीड़ बढ़ी। कई प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि यह दुर्व्यवहार नहीं है, यह बलात्कार है। कुछ ने हैशटैग पितृसत्तात्मक न्याय जोड़ा। उत्तरी स्पेन के नवरारे क्षेत्र में अदालत ने कहा कि पांच लोगों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ यौन उत्पीड़न के निरंतर अपराध के लिए 9 साल की सजा सुनाई गई है, जिन पर गिरफ्तार बलात्कार के मुकाबले स्पेनिश कानून के तहत एक कम अपराध था। फरवरी के दौरान स्पेन की सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि यह संशोधित करेगा कि इन अपराधों यौन अपराध के संबंध में कानून को अद्यतन करने की आवश्यकता है या नहीं। स्पेन के एल मुंडो अखबार के मुताबिक अभियोजकों ने अधिक प्रतिवादी के लिए 22 साल की मांग की थी। व्हाट्सएप समूह के नाम के बाद इस मामले को ला मानेडा या भेड़िया पैक के नाम से जाना जाने लगा, जिस पर प्रतिवादी और अन्य दोस्तों ने बात की थी। पुरुष जोसे एंजल प्रिंडा, एंटोनियो मैनुअल गवेरेरा, एंजल बोसा, अल्फोंसो जेसुस के बेजुएलो और जेसुस एस्कुडेरो जुलाई 2016 में पाम्पलोना के प्रसिद्ध सैन फर्मन उत्सव के दौरान लड़की के साथ 18 जुलाई को उनके मुठभेड़ का सेलफोन वीडियो दर्ज किया गया। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक प्रतिवादी में से किसी एक समूह द्वारा प्रसारित व्हाट्सएप संदेशों में शामिल हैं, हम पांच एक लड़की में हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे कहीं अधिक है, एक रायंजी अद्भुत यात्रा और वीडियो है। अदालत ने सुना कि जिन लोगों ने गलत काम करने से इनकार कर दिया, उन्होंने लड़की को एक निर्जन हॉलवे में धक्का दिया और उसे यौन संबंध में शामिल होने से पहले चुप रहना बताया। सजावटी दस्तावेज के मुताबिक उसने निष्क्रिय विनम्र रुख अपनाया क्योंकि वह फंस गई और डर गई। पुरुषों में से एक ने उसे वहां छोड़ने से पहले अपने बैग से अपने बैग ले लिया। इस मामले ने स्पेनिश कानून पर स्पॉटलाइट चमक लिया है, जिसके तहत यौन दुर्व्यवहार का कम अपराध बलात्कार से अलग है, जिसमें इसमें हिंसा या धमकी शामिल नहीं है। नवरे के राज्य अभियोजक ने कहा कि 3 न्यायाधीशों के पैनल द्वारा गुरुवार के फैसले से अपील की जाएगी। 4 वकील का प्रतिनिधित्व करने वाले रक्षा वकील अगुस्टिन मार्टिनेज बेसेरा ने शुक्रवार को कहा कि वे सजा भी अपील करेंगे। इस फैसले ने स्पेन में कई लोगों को अपमानित किया है, यह घोषणा करते हुए कि अधिकारी यौन अपराधों पर देश के कानूनों पर फिर से देखेंगे। प्रवक्ता इंगो मेंडेस डी विगो ने जोर देकर कहा था कि सरकार पीड़ितों के साथ रही है और हमेशा रहेगी। रक्षा मंत्री मारिया डोलोरेस कोस्पिडल ने पहले कहा था कि उन्होंने सोचा था कि वाक्य बहुत छोटा था और इस क्षेत्र में कानून को देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति के रूप में, एक महिला के रूप में, एक महिला के रूप में सजा की सामग्री के साथ आना मुश्किल होता है। सैन फर्मिन में जो हुआ वह बर्बर था और स्थिति में कोई महिला आरामदायक नहीं है। अंडलुसिया के क्षेत्रीय राष्ट्रपति सुसान दियाज ने ट्वीट किया, मैं हमेशा न्यायिक वाक्यों का सम्मान करता हूं, लेकिन यह वह है जिसे मैं समझता हूं और नहीं सहमत हूं। पूरे समाज में यौन हिंसा के लिए हमें शून्य सहनशीलता होनी चाहिए। स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के नेता पेड्रो सांचेज ने ट्वीट किया, उसने कहा, नहीं, हम आपको विश्वास करते हैं और हम अब भी आप पर विश्वास करते हैं। अगर भेड़िया पैक क्या था तो एक असुरक्षित महिला के खिलाफ समूह हिंसा नहीं थी, तो क्या करें, हम बलात्कार से समझते हैं।
27 वर्षीय एरिया ग्रिंडल मैरिड में विरोध करने वालों में से एक थे। मुझे एक बेतुका वाक्य के अन्याय से विरोध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। उसने कहा, घर के प्रवेश द्वार के अंदर आपको धक्का देने वाले 5 पुरुष बलात्कार और यौन दुर्व्यवहार नहीं होने के लिए पर्याप्त धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ मैरिड में न्याय मंत्रालय के सामने इकट्ठी हुई और फिर स्पेन की कांग्रेस चली गई, जहां बैठे थे एक और सीटन समानता मंत्रालय के सामने आयोजित किया गया था। सब कुछ 11 PM के आसपास समाप्त हुआ। गुरुवार को भीड़ ने चुप्पी का एक पल रखा। उसने कहा, सोशल मीडिया पर ग्रेंडल ने जो वीडियो साझा किए थे उन लोगों में भीड़ को चिल्लाया जा सकता था। योते क्रेयो, मैं आपको विश्वास करता हूँ। हमले के शिकार के संदर्भ में ग्रेंडल ने कहा, स्पेन में अभी भी बहुत सारी मैकिज्मोर और मिसोजिनी है नौकरियों में वेतना और युवा लोगों सहित, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें अब बदल रही है। आप इसे 8 मार्च को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन में देख सकते थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए, और अब आप इसे देख सकते हैं। महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी और हम में से सबसे कम उम्र भी ले रहे हैं विरोध करने के लिए सड़कों पर। हम बाहर जाने के दौरान डर लगाना बंद करना चाहते हैं और हम जो चाहते हैं उसके लिए हम इलाज करना चाहते हैं। लोग जोसे एंटोनियो मार्टिन कोस्टा, जो लिंग समानता के लिए लड़ रहे गाफिसमोरा दास बैंगनी चश्मे नारीवादी समूह से संबंधित हैं, बिलबाओ शहर में विरोध में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, मिंदा वाक्य ने हमें सड़कों पर मारा क्योंकि न्यायाधीशों ने इसे दुर्व्यवहार के रूप में सजा सुनाई थी, जबकि बलात्कार के अलावा कुछ और नहीं है।